गाइस 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 देखिए इधर, मैं लिटिल एडम लेके खेल रहा हूँ। हाँ गाइस, एडम लेके ही खेल रहा हूँ। और गाइस मेरा देखिए कि एडम में कैरेक्टर स्किल है, मैं एडम में उकोंग का स्किल यूज कर रहा हूँ। कैसे गाइस पॉसिबल हो सकता है? आप भी सोच रहे हैं ना कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखोगे तो, और स्टेप बाय स्टेप देखना, मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा कैसे आप एडम में भी कोई भी कैरेक्टर स्किल लगा सकते हैं इजीली, और आपके दोस्तों के पास भाव भी खा सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि एडम को आप डीजे एडम में चेंज कर सकते हैं। सीरियसली बोल रहा हूँ, एडम को डीजे एडम में चेंज कर सकते हैं। सो गाइस जो भी हो, टाइम वेस्ट ना करते, वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। इधर गाइस पहले आप लॉबी में आने के बाद, ठीक है, आप जब लॉबी में आ जाओगे, आपका नॉर्मल जैसे आप कैरेक्टर लेके खेलते तरीके से कैरेक्टर है, जैसे कि मेरे पास अभी उकोंग है, मैं उकोंग ही लेके खेलूंगा, ठीक है, मतलब खेलता था पहले, मतलब जब खेलता था। तो गाइस मैं इधर मैं एडम को लूंगा, एडम लेने के बाद एडम में कैरेक्टर स्किल लगाऊंगा, ठीक है। सो गाइस मैं क्या करूंगा, मैं पहले एडम को चूज कर लूंगा, क्योंकि मेरे को एडम लेके खेलना है, ठीक है। इधर गाइस आप तो कैरेक्टर नहीं लगा सकते, बट गाइस मैं टिप्स जो बताऊंगा उसको यूज करने के बाद एडम लगा सकते हैं। तो गाइस आपको उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एडम को के बाद स्क्वाड में जाना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वाड में मतलब आपका जो टीम है, सोलो में अकेला खड़े थे, मतलब स्क्वाड में बनाना है, ठीक है, जैसे मैंने बनाया अभी। बनाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, जो कुछ भी करेक्टर चाहिए, ओलोक चाहिए, उकोंग चाहिए, स्काइला चाहिए, उसका जो जो स्किल है, जैसे कि उकोंग में जो जो स्किल है, मैक्सिम है, केली है, और गाइस जो मतलब हीलिंग करने वाला कैपिला रहता है, वो लेना है। लेने के बाद गाइस आपको कुछ नहीं, बैक नहीं करना है, आपको कोई भी एक कैरेक्टर मतलब स्किल स्लॉट, जैसे कि मैं इधर कैपिला था, कैपिला को पहले चेंज करना है, चेंज करना फिर से कैपिला में करना है, ठीक है। मैं देखिए फॉर्ट किया, फॉर्ट करने के बाद फिर से कैपिला किया। हाँ गाइस समझे, स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप गलत किए ना तो नहीं होगा। फिर से मैंने कैपिला किया, कैपिला करने का फिर क्या करना है, बैक नहीं करना है, सीधा आपको जाना है फिर से एडम में। एडम में मतलब प्रीमिस जो नया कैरेक्टर है, मतलब नाम चेंज कर दे, एडम में जाना है। उसके बाद आपको बैक करना है, बैक करने के बाद स्क्वाड में ही रहना, स्क्वाड को एग्जिट नहीं करना है। उसके बाद आपको मैच टोटल स्टार्ट कर दे, मैच स्टार्ट होते होते गाइस और एक चीज आपको बता देता हूं, आप गाइस रैंक मतलब रैंक पुशिंग का एपिसोड वगैरह और ग्रैंड मास्टर का वीडियो वगैरह देखने के लिए, मतलब आप देखते हैं और देखने के लिए आपको मजा भी आता है, तो मेरा सेकंड चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल में, क्योंकि मैं नेक्स्ट सीजन पुश करने वाला हूँ ग्रैंड मास्टर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब मजेदार एपिसोड देखने के लिए मिलेगा। एंड गाइस ग्रैंड मास्टर में पुश करता हूँ कैसे, वो भी जानने के लिए मिलेगा, और बहुत ही मजेदार सिचुएशन, और बहुत ही ज़्यादा मजेदार बहुत कुछ आपको इस चैनल पर भी देखने के लिए मिलेगा, और उस चैनल को भी देखने के लिए मिलेगा, वो स्पेशली ग्रैंड मास्टर पुशिंग के लिए मैं बनाया हूँ, और मतलब पुशिंग टाइप के वीडियो छोड़ने के लिए। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लेना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जो भी गाइस देखिए मैं स्टार्ट हो गया, और गाइस इधर देखिए मेरा उकोंग कैरेक्टर लेके आया था, जो जो स्किल लेके आया था वही स्किल इधर भी है। तो गाइस मजेदार बात है ना, आप भी जब मतलब खेलोगे किसी के साथ, ठीक है, तब आपको भी आप जब दिखाओ, मैं गाइस देखो मैं एडम लेके खेल रहा हूं, बट मेरे पास कैरेक्टर स्किल है, क्योंकि मेरा एडम डीजे एडम है, सीरियसली तुम्हारा एडम नॉर्मल एडम ही है। सो ऐसा करके आप आपके दोस्तों को के पास मतलब एक भाव भी कर सकते हो। तो गाइस जो भी हो, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर जरूर बताना वीडियो कैसा है। सही इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल पे बने रहना, और गाइस आपको बहुत सारा कुछ इस चैनल में सीखने के लिए मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सीधा वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू।